हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में द फिजिक्स कोचिंग में। ये हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की आज दूसरी क्लास है। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। The separation energy for last neutron. Suppose कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन 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 और न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, तो उस एनर्जी लेवल में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य जैसे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का अलग अलग के एल ये सेल्स होते, के एल सेल होते हैं, इन इसी सेल की तरह न्यूट्रॉन का भी अलग अलग ऊर्जा लेवल होता है, अलग अलग सेल होता है। तो उसके बाह्यतम कोष में जो न्यूट्रॉन होता है उससे निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता उसी है होती है, उसे हम सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेपरेशन एनर्जी की डेफिनेशन। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया लेकिन फिर भी लिखी हुई को देख लेते हैं। द सेपरेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फ्रॉम द गिवन न्यूक्लियस। इसको अपन न्यूक्लियंस, इसको एस एन फॉर द न्यूट्रॉन, एस पी फॉर द प्रोटॉन। ओके, सेपरेशन एनर्जी क्या, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहती है लास्ट न्यूट्रॉन के लिए, तो उसका समीकरण ये हमारे पास कोई एटम है वाई, जिसका प्रोटॉन संख्या जेड, मास ए, उसमें से एक न्यूट्रॉन निकालने के लिए अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्लस क्यू। एनर्जी देने से क्या होगा, उसमें से एक न्यूट्रॉन लगेगा निकलेगा तो ए माइनस वन, और प्रोटॉन तो अपन निकाल नहीं रहे तो प्रोटॉन सेम, प्लस न्यूट्रॉन ये बाहर आ जाएगा। तो इससे अपन एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे मास फॉर्मूला से, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला से। तो एस एन ये क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ आफ्टर द न्यूक्लियस रिमूव, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के निकलने के बाद का मास, प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस इनिशियल मास एटम का। ओके, ये मास के टर्म में है। एनर्जी अगर अपने को एनर्जी निकालनी है तो ऑल ब्रैकेट इसके पूरे के ब्रैकेट में लगा के C से मल्टीप्लाई कर दो, तो आइंस्टीन का फॉर्मूला E बराबर एम सी स्क्वायर से अपन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में कैसे, सिंपल, वेरी सिंपल बाइंडिंग एनर्जी, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, फाइनल दिस इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम माइनस फाइनल आफ्टर द रिमूव न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। ओके सॉरी, गलत इक्वेशन पिकअप कर ली, प्रोसेस वही है, बस समीकरण ये रहेगी, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी आफ्टर रिमूव द न्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी दोनों को माइनस करो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी बोल सकते हैं हम,
सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेम है एकदम, सेम डेफिनेशन, टू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ न्यूक्लियस वी हैव ए न्यूक्लियस विथ जेड प्रोटॉन नंबर विथ ए मास, वी गिव द एनर्जी प्लस, प्लस मीन्स वी गिव द एनर्जी, वी गिव द एनर्जी विथ वॉट वी गेट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जेड माइनस वन एक्स ए माइनस वन, एक प्रोटॉन माइनस हो गया, एक मास में से एक नंबर माइनस हो गया और अपन को प्राप्त हुआ एक हाइड्रोजन, यू कैन नॉट से हाइड्रोजन वन प्रोटॉन, सही कर लेना इसको, एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तो प्राप्त ही नहीं हुआ, तो कैसे सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, इनिशियल माइनस फाइनल, तो दिस इज सेपरेशन एनर्जी इन मास टर्म, मास टर्म में क्या ये प्रोडक्ट का मास प्लस जो यहाँ पे प्रोटॉन का मास प्लस जो स्टार्टिंग में अपन ने लिया था वो उसका मास, उसको मास माइनस करना है और इनको दोनों को ऐड करना है, वे अपने को सेपरेशन एनर्जी प्रोटॉन के प्राप्त हो जाएगी। इन बाइंडिंग टर्म इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल की बाइंडिंग एनर्जी माइनस फाइनल की बाइंडिंग, माइनस फाइनल की बाइंडिंग एनर्जी, ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पीछे के रिलेटेड क्लास से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसका आंसर हम यहीं सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन, द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम 238 आर गिवन बाय 1.0078 एंड 238.0508 इन AMU, ओके रिमेंबर दिस थिंग, यूनिट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, AMU एटॉमिक मास यूनिट रिस्पेक्टिवली। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 200 एनर्जी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, अपने को बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, द बाई प्रोडक्ट माइनस द प्रोडक्ट, इनिशियल मास, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, तो फाइनल में अपने पास क्या क्या है, द मास ऑफ प्रोटॉन, यूरेनियम में जड, यूरेनियम में जितने भी मास हैं वो प्लस टोटल न्यूट्रॉन, देखो फिर से मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ, हमारे पास एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है और वो इलेक्ट्रॉन भी है, अब ये एटम स्टेबल है, स्टेबल है, अगर हम इसको अलग अलग कर लें, प्रोटॉन सारे प्रोटॉन को अलग कर लें, सारे न्यूट्रॉन को अलग कर लें, तब हमारे पास जो एनर्जी मिलेगी और जो टोटल एनर्जी उस एटम की है, ठीक है, तो उनको माइनस करने के बाद अपने को एक एनर्जी प्राप्त होती है, वो क्या होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी, अगर इसकी एनर्जी एटम की एनर्जी से कम हुई तो एटम कभी भी स्टेबल नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी अपने को शो करता है, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा हमको स्टेबिलिटी शो करता है और एटम का, एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा कम होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी
तभी वो एटम स्टेबल होगा, वरना एटम स्टेबल नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास जेड की वैल्यू है 92, न्यूट्रॉन की वैल्यू 238 माइनस 92 146। अपने पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी टोटल जेड प्रोटॉन ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ एटम। वी हैव द वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, 92 प्रोटॉन का वैल्यू, प्रोटॉन का मास 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन 1.46 मास 1.0087 माइनस 238.0508 इन ए एम यू। ओके आगे चलते हैं, इसको और सॉल्व, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को 1.937 ए एम यू टोटल मास अपने को प्राप्त होगा। ये डेल्टा एम हो गया, ये इतने का डिफरेंस है। अब एनर्जी निकालनी है तो इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और वन सी स्क्वायर यहाँ ए एम वन ए एम यू वन ए एम यू इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ये 931.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये वन ए एम यू इंटू सी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है। तो एनर्जी के टर्म में आ जाएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट के टर्म में क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर 180.4586 और इसको आगे 1800 ऑलमोस्ट 1804 यहाँ पे है नहीं, ये अपने को 1804 ये वैल्यू प्राप्त होती है 0.586 ऑलमोस्ट अपने को ऑप्शन में दे रखा है उन्होंने, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में ऑप्शन डी ये था 1800 जस्ट इसके इक्वल है, तो 1800 ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 1800। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो क्या है, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक वेट ए वेरीज एज ए एन वेरीज वेरीज एज ए एन वेर एन। अपने को एन की वैल्यू प्राप्त करनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एक न्यूक्लियस की जिसका मास एटॉमिक वेट ए है और वो ए ए की पावर एन के अनुसार वेरी करता है, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वी नो द प्रिंसिपल ऑफ अनसिमेट्रिक हाइजेनबर्ग अनसिमेट्रिक प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट ऑलमोस्ट इज इक्वल टू एच कट ये 2π ऑलमोस्ट एच कट के अनुसार प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी एच अपॉन डेल्टा एक्स। द मीन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो मीन निकाल रहे हैं, तो डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2m और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा पी स्क्वायर। अपने को ओवरऑल बात करनी है, अपने को सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो ओवरऑल में हो जाता है। ओके तो मीन काइनेटिक एनर्जी, अब डेल्टा पी क्या, डेल्टा पी अपन ने निकाला है एच कट अपॉन
टू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स, ओके। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो क्या होगी, आर नोट ए टू पावर वन बाई थ्री, ये अपन ने पहली क्लास में देखा था। तो वो अपन इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं यहाँ पे, वैल्यू रखने पर ये ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए टू पावर माइनस टू बाई थ्री, ये हो गया ए टू पावर वन बाई थ्री की पावर टू, तो ए की पावर टू बाई थ्री और ऊपर जाएगा तो माइनस टू बाई थ्री, ओके। नाउ एन, एन की वैल्यू अपने को यहाँ प्राप्त हो गई माइनस टू काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर माइनस टू बाई थ्री, और माइनस टू बाई थ्री माइनस का 0.67, ओके। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर तीन, द रेडियस ऑफ कॉपर 2964 न्यूक्लियस इज मेजर टू 4.8 इंटू 10^-13 सेंटीमीटर, रिमेंबर गिवन इन सेंटीमीटर। ए, द रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 1227 न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेट टू बी, अपने को कॉपर की देखी दे रखी है और मैग्नीशियम की पूछ ली, तो वी नो आर इक्वल टू आर नोट ए टू पावर वन बाई थ्री, मान लो ये सी यू कॉपर की है, आर एम जी की आर नोट ए टू पावर वन बाई थ्री, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास ये समीकरण प्राप्त होगी, ओके। अब इनमें अपन इनकी वैल्यू रख देंगे क्योंकि अपने को गिवन है, सी यू की वैल्यू है 64, एम जी की वैल्यू है 27 पावर 1/3, तो इससे बहुत ही सरल आ जाएगा 4/3, ये 4/3 हो ये 3। अब आर एम जी की वैल्यू क्या होगी, इसको गुणा करेंगे, तो सी यू की वैल्यू दे रखी है अपने को 4.8 × 10^-3 सेंटीमीटर, तो आर एम जी की वैल्यू आ गई, आर एम जी की वैल्यू ये अपने को प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बी, इसका बी पार्ट, बी में कहा है कि द आर एम एस एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए the RMS energy of a nucleon in a nucleus of atomic number A in its ground state varies as, एक न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियन में न्यूक्लियन एटॉमिक नंबर ग्राउंड स्टेट के साथ कैसे वेरी होता है, ठीक है। तो वी नो द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द काइनेटिक एनर्जी प्लस द रेस्ट मास, इफ यू फॉरगेट द रेस्ट मास देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, एंड वी नो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ऑलमोस्ट इक्वल टू एच कट, डेल्टा पी इज एच कट डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स ऑफ न्यूक्लियस आर नॉट एक टू पावर वन बाई थ्री, नौ डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर वन बाई थ्री, वन डिवाइडेड बाई वन ए टू पावर वन बाई थ्री, नौ दिस इज प्रोपोर्शनल टू ई, प्रोपोर्शनल टू ई, तो ई प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर माइनस वन बाई थ्री, ओके। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द
द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर ए ऑफ ए न्यूक्लियस. डायग्राम दे रखा है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है और उसका मास ए के एक्स एक्सिस में ए दे रखा है, वाई एक्सिस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस में ए दे रखा है. ए न्यूक्लियस विथ मास 180 फ्यूजन इनटू टू न्यूक्लिय टू इक्वल मासेस इन द प्रोसेस. एक एटम जो दो इक्वल मास उसमें टूट रहा है तो उनका एनर्जी बाइंडिंग जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी. तो वी नो वी हैव ए न्यूक्लियस विथ मास 180 डिवाइडेड फ्यूजन इन बी प्लस सी विथ इक्वल मासेस. नाउ विद सी द डायग्राम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 180 द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 180 एटम इज पर न्यूक्लियन 4 है 4 एंड व्हाट इज द 180 लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू एक सेकेंड हियर. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ओ 4 एंड हाउ मेनी न्यूक्लियन वी हैव 180 देन एनर्जी बिफोर कॉलिजन क्या हो जाएगी 180 इंटू 4 720 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. एनर्जी आफ्टर कॉलिजन वी हैव टू इक्वल मास न्यूक्लियन देन 2 इंटू 90 इंटू 6 फ्रॉम द डायग्राम इज इक्वल टू 1180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. नाउ एनर्जी हाउ मच एनर्जी विल रिलीज इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एनर्जी देन 1080 माइनस 720 इज इक्वल टू 360 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट द सेपरेशन एनर्जी फॉर लास्ट एडेड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर हीलियम एंड ऑक्सीजन द स्टैंडर्ड वैल्यू इज गिवन. नो द सॉल्यूशन फर्स्ट द सेपरेशन एनर्जी फॉर हीलियम एटम वी एड इन टू हीलियम 3 plus a neutron then what we get a helium atom and separation energy. Now 2 helium 3 plus mass of neutron minus mass of helium atom we have the mass has given all of them the mass of this 3.016 plus 1.0087 mass of neutron minus mass of helium atom is 4.0026 in AMU. When we solve it, then we get 0.0221 AMU. And when we convert in energy, we multiply it into 931.5 in mega electrovolt, and we get 20.6 mega electrovolt. Okay. Next question. The question ka dusra part B. B mein
we add a proton in oxygen molecule, oxygen atom. Then we separate proton from oxygen, we add energy and we get proton. This is proton, not hydrogen. This is proton. Mass proton plus 7x15. Okay, the separation energy, what will the mass of product plus mass of proton minus mass of oxygen molecule, atom. We put the values 15.001 plus 1.078 minus 15.9949 amu. Now this is equal to 0.19139. Okay, to convert it to into energy, we multiply it by 931.5 mega electro volt. Now when we solve it, we get 12.95 mega electro volt. Next question. Question number 6. A proton is accelerated to a right energy E and shoot at a nucleus of oxygen atom in order to penetrate the Coulomb barrier and reach the surface of oxygen nucleus, E must be at least. The question says that हमारे पास एक एटम है न्यूक्लियस का, ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन का एक एटम है. हम एक बीम, प्रोटॉन की बीम, उस पे काइनेटिक एनर्जी ई के साथ छोड़ेंगे, तो वो प्रोटॉन कूलम बैरियर को तोड़कर ऑक्सीजन के सरफेस, न्यूक्लियस के सरफेस पे पहुंच जाए इस एनर्जी से, तो वो एनर्जी क्या होगी? वी नो द कूलम एनर्जी इज ई बराबर जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. आर इज न्यूक्लियस radius, r naught 8 to power 1 by 3. Okay, and we know the a is 16. We put the values 8 with z is equal to 8, then 8 oxygen atom, 8 mass of the value of e 1.6 into 10 to power minus 19 power 2 divided by 1.2 into 10 to power minus 15 into 16 a to power 1 by 3. This is R naught and this is A and this is 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, this. The ET is this. At this point, char into 1.414 into 10 to power 14 joule. When we convert it to electrovolt, we get this divided by electron E divided by E, the value of E 1.6 into 10 to power minus 19. And to convert it to mega electrovolt, we multiply it by 6. Okay. Next, when we solve it, we get 3.4 mega electrovolt. तो nucleus को proton को nucleus तक पहुंचने के लिए, ये nucleus है, तो इस nucleus तक
पहुंचने के लिए उसको कम से कम मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी 3.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ओके, तो इससे कम, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 7। द रेडियस ऑफ गैलियम न्यूक्लियस इज मेजर टू बी द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम। हाउ मेनी न्यूक्लियंस आर इन द जर्मेनियम न्यूक्लियस। द वी नो द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज आर इक्वल टू आर आर इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर आर नॉट ए टू पावर 1/3। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट दिस एंड वी पुट जी हैज गिवन द जर्मेनियम रेडियस इज ट्वाइस ऑफ बेरिलियम एंड दिस इज इक्वल टू 2 equal to a to power 1/3 a to power for germanium 1/3 and this is 9 to this a to a beryllium ki value a ke liye value 9 hai 9 to power 1/3 okay now this will come here for 2 into 9 to power 1/3 and this a to power equal to a to power 1/3 and a to power 1/3 and we whole cube both side then we get 2 to power 8 and 9 equal to a and this is equal to 72. B option. That's all for guys. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फिजिक्स दोस्तों के साथ स्पेशली इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।